आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने अपने वर्तमान विधायकों का काटा टिकट। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने खुद को मारी गोली। ट्रेन की चपेट में आने से 3 शावकों की मौत। अब खबरें विस्तार से। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर ही दाव खेला है। देर रात जारी सूची में जैसलमेर के रूपाराम धनदेव और पोकरण से सालेह मोहम्मद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 3 पर दिल्ली पुलिस के 37 वर्षीय सिपाही ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। मृतक का नाम सोमवीर है। सचिवालय की वीआईपी पार्किंग में दिल्ली पुलिस के जवान ने खुद को मारी गोली। घटना सुबह 5:30 बजे के आसपास की है। सिपाही ड्यूटी में तैनात था। अभी तक खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र में एक ट्रेन की चपेट में आने से बाघ के 3 शावकों की मौत हो गई। उनकी उम्र 6 महीने से भी कम थी। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना चंद्रपुर जिले के जुनोवा वन रेंज में घटी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।